स्वागत है, मैं हूं महक। आइए डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर नजर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को डेल्टा प्लस वेरिएंट से किया अलर्ट। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक जारी, विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। धर्मांतर करने वालों पर योगी सरकार का सख्त फैसला, एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए दिए निर्देश। पंजाब कांग्रेस की आपसी कलह जारी, सिद्धू पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं कैप्टन। सचिन पायलट के समर्थन में उतरे कांग्रेस के मीरा विधायक, गहलोत गुट पर साधा निशाना। सुशांत गोल्फ सिटी में दिन दहाड़े डकैती करने वाला इनामी बदमाश आरिफ उर्फ चीनी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। माध्यमिक शिक्षा विभाग अगस्त से शुरू कर सकता है ऑफलाइन पढ़ाई, अभिभावकों से मांगी जा रही है अनुमति। लखनऊ में 2.5 करोड़ की नकली दवाएं बरामद, एक गिरफ्तार। मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट, भारत 32 रन की बढ़त पर, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 249 रन पर समेटी। द फैमिली मैन बनी दुनिया की चौथी सबसे पॉपुलर वेब सीरीज। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। रहे सुरक्षित और सतर्क।